नमस्कार दोस्तों, हमने अक्सर सुना है और पुराणों में भी लिखा हुआ है कि लड़की हो या औरतें, सभी को हम अपने घर में लक्ष्मी का रूप समझते हैं। हम सभी जानते हैं कोई भी महिला अपने लिए एक लक्ष्मी के रूप में ही प्रतीक मानी जाती है। आप यदि शादी करने से पहले हो या शादी करने के बाद, हमेशा लड़कियों को लक्ष्मी के रूप में ही पूजा जाता है। नवरात्रों में हमने अक्सर देखा है कि कन्याओं को खिलाने के बाद सभी लोग उन कन्याओं के पैर छू के उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। कहा जाता है कि ये अगर कन्याएं सच्चे मन से आशीर्वाद दे दें तो कभी कभी उनका कहा भी सच हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके साथ साथ लक्ष्मियों का पूजन करते हैं और लक्ष्मियों के रूप में लड़कियों को पूजते हैं तो वह आपके लिए जीवन में बहुत सफल कार्य करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज मैं आपके लिए ये चीज लेकर आई हूँ कि कुछ लड़कियां या महिलाएं आपके लिए असफलता के लिए कदम बढ़ाती हैं। कुछ महिलाएं लक्ष्मी के रूप में तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर देती हैं जिसकी वजह से वह लक्ष्मी कभी दुर्भाग्य के रूप में भी बदल जाती हैं। तो आज जानते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं करती हैं तो आपके घर से सौभाग्य है, धन और ज्ञान तीनों चीजें आपके घर से चला जाएगा। तो जानते हैं इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, यदि महिलाएं रात के समय किसी और के घर कुछ सामान लेने, जैसे दूध, दही, नमक, तेल, ये प्रोडक्ट लेने के लिए किसी के घर जाते हैं सूर्यास्त के बाद, तो ये घर में दुर्भाग्य लेकर आता है और आपके घर से धन और वैभव दोनों की कमी होती है। तो आप कोशिश करें कि घर की महिलाएं कभी भी सूर्यास्त के बाद कभी भी ये सामान लेने किसी के घर न जाएं। नंबर दो, आजकल के बिजी शेड्यूल में महिलाओं को समय नहीं मिलता और बिजी होने की वजह से जो लेडीजें वर्किंग है यानी कि कहीं काम करती हैं तो उन्हें अपने जीवन में जो भी कार्य करने होते हैं वह लेट लतीफ करती हैं, यानी कि ऑफिस सुबह चली जाती हैं, उसके बाद शाम को आना उनका, फिर घर का काम, तो वह अपना ध्यान रख ही नहीं पाती। तो कभी कभी लेडीजें ऐसा भी करती हैं कि रात को आकर ऑफिस से वह अपना सर धो लेती हैं। तो यदि ऐसा आप करती हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप अगर रात को सोने से पहले अगर सर धोती हैं तो वह आपके घर में दुर्भाग्य लेकर आएगा और जिस अवसर की तलाश में आप घूम रही हैं वह अवसर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि सोने से पहले अपना सर कभी भी ना धोएं। आप कभी भी धो सकती हैं, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले बिल्कुल ना धोएं। नंबर तीन, हमने अक्सर देखा है कि अपने घर में सुख शांति लाने के लिए लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन अगर महिलाएं अपने घर में सुख शांति चाहती हैं तो आप रात को सोने से पहले ये कार्य जरूर करें। आप रात को सोने से पहले अपने घर के सभी खिड़की दरवाजों पर और फर्श पर एक बार काला नमक या फिर सेंधा नमक कागज में रख कर अपने घर के चारों ओर घूम कर उसे किसी फर्श पर या फिर कोने में ऐसी जगह रख दें जहाँ पर किसी की और की नजर ना पड़े और खास ख्याल रखें घर के किसी भी सदस्य की नजर उस पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके घर में जो नकारात्मक चीजें हैं वह हमेशा के लिए ही रह जाएंगी और आप सुबह उठकर किसी से बिना बोले उस कागज को लीजिए, कागज को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर चली जाएंगी। नंबर चार, किचन। अगर घर की लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पूजा इसलिए माना जाता है क्योंकि घर की लक्ष्मी हमेशा घर की रसोई यानी कि मेन भाग को निभाती है और उसी को संभालती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी का निवास भी सबसे ज्यादा किचन में ही होता है, क्योंकि किचन में अन्न का भंडार होता है जहाँ पर हर व्यक्ति की उत्सुकता और उसके जीवन की शैली को अच्छा से निर्भर किया जाता है। अन्न के भंडार के कारण ही लोगों की जीवन शैली चलती है और उसी के अनुसार कहा जाता है कि यदि घर की लक्ष्मी किचन को अच्छे से संभालती है और संवारती है तो उससे घर में वैभव, शांति, सुख शांति भी आती है और उसके साथ साथ धन की भी वृद्धि होती है। नंबर पाँच, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो और धन में लाभ हो तो उसके लिए आप अपने घर की झाड़ू रात के समय बिना किसी से रोके और टोके आप दक्षिण से पश्चिम दिशा में किसी भी दिशा में छुपा दीजिए, या तो आप दक्षिण दिशा में छुपा दीजिए या फिर पश्चिम दिशा में, और ध्यान रखें कि कोई आपको टोके ना और कोई आपको देखे। यदि आप ये कार्य कर रहे हैं और कोई आपको पीछे से बोल दे कि आप ये क्या कर रहे हो तो वह जो आप काम कर रहे हैं वह विफल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर में धन की हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो ये हैं वह चीजें यदि आपको कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं तो आप इन चीजों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इन चीजों का खास ख्याल रखेंगे तो आपके जीवन की शैली बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।